मैं उस महान परमात्मा जो कि सावन कृपाल के रूप में आया धन्यवाद करता है, जिसने कि इस गरीब आत्मा जो थोड़े अगे बैठी है अपनी अपार दया की। मैं दसदा हूं कि वो बड़ा समा सुहावना सी, बड़ा दिन अच्छा सी। जब सावण की दस पई, सावण पास गया, वो शक्ल मनमोहनी जिहड़ी के बड़ी आकर्षित आपदी तरफ करदी सी, ऐसी दिमाग च अखियां दे विच वसी, उहनू मैं कढ ना सकिया। मैं एक भजन दे विच उस वक्त दी हालत बयान कीती है कि लखां शक्लां तकियां अखियां ने, पर नज़र मेरी विच कोई खुभदी ना, कोई शक्ल ना खुभी। आखिर जिस बाबा बिशन दास ने, जिसकी मैं हमेशा ही आपदे दिल में इज्जत करता है, जिन्होंने कि मेरी रूहानी जिंदगी वास्ते बहुत कुछ किया, बड़ी मेहनत की, मैं उन्होंने भी महाराज सावण के चरणों में ले गया कि आओ एक महान हस्ती है संसार विच। मैं दसदा हूं बाबा बिशन दास बड़े खुले दिल दिमाग के साधु सन, वो खूह के डड्डू की तरह नहीं सन। जिस तरह के एक हंस उड़दा उड़दा किसी टठे जे खूह के उपर आके बैठ गया, जिथे कि एक डड्डू फसया होया सीगा चिक्कड़ दे अंदर। उन्हें कहा कि तू इत्थे चिक्कड़ विच बड़ा खराब हुंदा है, गंदी बदबू आउंदी है, आ मैं तैनू समुंदर की सैर करा लियावां, उत्थे मोती है खाण नूं, तू मोती चुगया करी, मेरा देश बड़ा अच्छा है। वो कहन लग्या थोड़ा जिहा चक्कर कट के कि तेरा समुंदर एडा बड़ा है कि इस किस्म का पानी है उत्थे? वो कहन लग्या पानी बड़ा साफ है, एदू बड़ा है। आखिर होर चक्कर कटिया, वो ना मन्निया। अखीर कुएं के दूसरे सिरे ते होके कहन लग्या होर तेरा समुंदर इतना बड़ा है? वो कहन लग्या हाँ, तू मेरे साथ चल, मैं तेनू दिखा सकता है। ओदी शोभा बयान नहीं हो सकती, देखण वाली तलक रखता है, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तू मौजां करेगा। वो कहन लग्या एदू बड़ा हो नहीं सकता, तू बेईमान है, झूठ बोलता है। इसे तरह वो हंस मालक दे भेजे हुए महान आत्मा संत संसार विच आके साडे छोटे छोटे ख्याल है, वो डड्डू की तरह छोटे छोटे दिमाग है, जिहड़ी गल साडे दिमाग विच ना आवे, ख्याल विच ना आवे, असी उस नूं मनण वास्ते तैयार नहीं हुंदे। गे संत सानू कहिंदे है तुहाडा देश बड़ा उच्चा है, सुच्चा है, वो शांति दा देश है, उत्थे मौत और पैदाइश नहीं गी, आओ असी उस देश विच लै चलिए, थानू तुसी शांति नाल आपदा समां बतीत करोगे, आखिर थोड़ा वह घर है। लेकिन असी जाण वास्ते तैयार नहीं हुंदे गे, बल्कि जिस तरह वो डड्डू हंस नूं झूठा करदा सीगा, यही हालत साडी हुंदी है। बड़े बड़े चोटी दे महात्मा इस संसार विच आए, गुरु नानक, कबीर, साडे सतगुरु महाराज जी आए, सब ने आके शब्द नाम का होका दिता, उस घर की दस पाई कि आओ प्यारियो असी थानू लै चलते हैं, असी थानू कल्या नूं नहीं संदेश दिंदे गए, बल्कि थोड़े नाल होके थोड़ा सफर तय करावांगे। लेकिन असी लोग किन्ने क जाण वास्ते तैयार हुंदे हैं आखिर? क्योंकि असी मन के जाल विच फसे हुए हैं। महात्मा सानू दसदे है कि मन का जो जाल है ये बड़ा जबरदस्त है, इस नूं तोड़ना कोई आसान नहीं गा। रामचंद्र नूं वशिष्ठ ने कहा सीगा, अगर कोई आदमी ये कहे कि कई मील लंबा उच्चा चौड़ा हिमालिया किसी ने उठा लिया है, बड़ा सूरमा पैदा होया है, कहिंदे बेशक मनण विच नहीं आउंदा गा, पर मन लैंदे हैं भी शायद परमात्मा ने कोई ऐसा भी आदमी पैदा कीता होवे जिसने एडा वड्डा हिमालिया पहाड़ उठा लिया है। फिर कोई ये कहे कि एक आदमी ने समुंदर पी लिया है, बेशक मनण च गल ना आवे फिर भी मन लेने हैं भी शायद परमात्मा ने कोई ऐसा आदमी पैदा किया होवे कि उसने समुंदर पी लिया होवे।
लेकिन विशिष्ट जी रामचंद्र नु कहन लगे, अगर प्यारिया कोई ये कवे कि मैं मन नु वस कर लिया है, असी मनन वास्ते तैयार नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं गा कि अज तक किसी ने वस नहीं किया गा। नहीं, संसार विच दोने प्रकार के आदमी आउंदे रहे हैं, दो ही रस्ते उन्होंने बयान किए हैं, एक मनमुख है एक गुरमुख है। गुरमुख हमेशा ही कहते हैं कि बीमारी भी थोड़े अंदर है, गुमराह करने वाली ताकत भी थोड़े अंदर है और दवाई भी उस दे थोड़े अंदर ही रखी हुई है। अंदर जाओ, उस दवाई नू खाओ। आप दे अगे स्वामी जी महाराज का शब्द रखा जाता है, आप प्यार ना कहते हैं, जप करो, तप करो, पूजा पाठ जो कुछ थोड़ी मर्जी करो, लेकिन इन्हां साधना ना मन वस विच नहीं आउंदा गा, बल्कि हंकार पैदा हो जाता है कि मैं इतना दान किया है, मैं इतना जप तप किया है, मैं इतना कुछ किया है। महात्मा सानू दसदे है, किया कराया सब गया जब आया हंकार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। जिस तरह आप हाथी का इशनान कराने हैं, नहाने हैं, लेकिन वो बाहर निकल के फिर अपने उपरों धूड़ा गंदा वगैरह सिट लेंदा है, यही हालत साड़ी है। तो स्वामी जी महाराज इस शब्द के दसते हैं कि जिन्होंने भी मन में वस किया, उन्होंने शब्द की दवाई नाम की दवाई के नाल वस किया है। जी महिमा शब्द बचन नौ, शब्द नौ सार बचन पन्ना 93। सुन सुन कर मन प्यार दे नाल समझाउंदे है, तुसी करोड़ां भी अपा क्यों ना कर लो, जप तप तां किसे पासे रह गया। आप कहण लगे थोड़ा मन मन्नेगा नहीं, समझेगा नहीं, क्योंकि जद साडी आत्मा घंटे और संख की आवाज़ नूं सुनदी है, इस दियां जो मैलां हन, इहदे अंदर जो कमियां हन, वह मैला धोपणियां शुरू हो जांदियां हन, और साडा जो कमल उल्टा है जिहदे विच कि अमृत तां टपक रहा है, लेकिन वह माया दे भोग पी जांदे है, साडी आत्मा कमजोर है। गुरु नानक ने कहा, उंदे भांडे कछु ना समावे, सीधे पवै अमृत धार, और साडा हिरदे कमल उल्ट के सीधा हो जाता है, और संसदल कमल का बूहा खुल जाता है, साडा मार्ग खुल जाता है, अंदर जाके शक नहीं रहिंदा गा, और किताब की तरह खुल जाता है। जिस तरह अज सानू अंदर जाना मुश्किल है, इस तरह फिर बाहर ख्याल लियाना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर जब साड़ी आत्मा शब्द नाम दे नाल जुड़दी है, आखिर इस दी चढ़ाई उपर दी तरफ हुंदी है, आखिर यह आप दे घर त्रिकुटी दे विच पहुँचती है, जिहड़ा कि मन का घर है। मन के जितने भी छिद्र हुंदे है, ऐब हुंदे है, विषय बकारां दीआं लज्जतां हुंदीआं हन, वह सब भुल जाता है, सारे छिद्र पिछे रह जाते हैं। मन नूं होश आउंदी है कि मैं तो बहुत वड्डे घर का मालक सीगा, मैं तो एवें दुनिया के विषय बकारां दे जंगलां विच फसिया फिरिया, मानवडे विच फसिया फिरिया। सो इस वास्ते, इस दोनों रस्तियां दोनों जगह नूं मिलाउण वास्ते एक टेढ़ा रस्ता भी है, जिसनों बंक नाल भी कहिंदे है, जो त्रिकुटी और संसदल दे मुकाबले दे विचाले है। सो महात्मा सानूं प्यार नाल दसदे है, जद असी मन नूं उस त्रिकुटी की धुन सुनाने हैं, शब्द की लज्जे दिने हैं,
मन नूं मन दे घरे ही लै जाने हैं, फिर मन नूं होश आउंदी है। तुसी देख लो, अगर कोई पागल आदमी होवे आपां उस दे उत्ते तरस करना चाहिए, उस नूं मकान दे विच आपां लियाईए, वो बैठेगा नहीं। बेशक डॉक्टर कितनी भी चंगी क्यों ना दवाई देवे, उहदी दवाई उह सट देवेगा, खाएगा नहीं, मारन पएगा, परेशान करेगा। जद कुछ टाइम असी उहदे नाल संघर्ष जारी रखते हैं, आखिर दवाई भी दिने हैं, प्यार भी करते हैं, जद उहनूं होश आउंदी है उही आदमी प्यार करदा साडे नाल, साडा शुक्रगुजार हुंदा है। यही हालत साडे मन दी है। जद मन अपने घरे पहुँचदा है, फिर इस नूं पता लगदा है कि मैं तो एवें दुनिया दियां मैलां विच लिबड़ा रहा। स्वामी जी महाराज कहिंदे है कि बाहर किसी जतन दे नाल तुहाडा मन वस विच नहीं आउंदा गा, अगर आवेगा तो उस शब्द नाम की लज्जत नाल ही आएगा। जिस तरह सपेरे लोग सप्प नूं पकड़ लेंदे है, गलां विच पाई फिरदे है, आम आपां शहरां बाजारां दे विच देखदे हैं, लेकिन सप्प दे अंदर तां बड़ी जहर हुंदी है। अगर आपां उहनां दी रीस करिए कि इन्हां ने सप्प पकड़ लिया, आपां भी फड़ लईए, तुसीं देख लो फौरन सानूं मौत दा टिकट मिल जांदा है। कहण दा भाव मेरा इतना ही है कि उहनां सपेरे लोकां नूं उहदी कमजोरी दा पता है, ਉਹ ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਪ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੋ ਮਨ ਸਾਡਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। बहुत सारे कर्म कांड कीते है, बड़े श्रद्धा और प्यार ना कीते है। मैं थानू ये सारिया गल्लां सुनिया सुनाइया नहीं दसदा गा, मैं खुद करिया हन, लेकिन पानी दे विच मदानी पाउण तो वध होर कुछ भी नहीं गा। इस वास्ते मक्खन जद भी निकलेगा दुध दे विचों निकलेगा। कहण लगे कि योगियां ने कोई कसर नहीं छड्डी, हमेशा ही संघर्ष करदे रहे। प्राणायाम श्वासां दे उत्ते काबू पाउणा उहनां लोकां ने बहुत सारा कीता, लेकिन मसा ही ओह पहली मंजिल के उत्ते पहुँचे। साढ़े हजूर महाराज जी दसते होंगे सन कि एक आदमी पहाड़ के विचाले बैठा है, उसने जाना चोटी के उपर है। अगर वह पहला थले आवे फिर उपर जाए, कितना वक्त उसनू लगता है? अगर विचाले बैठा हो पहाड़ी दे, उत्थों ही अपना सफर उपर नू शुरू कर दे तो उसका काफ़ी टाइम बच जाता है। इस तरह वह परमात्मा साढ़े जिसम के अंदर है, जिसम के भी छे चक्कर नौ द्वार नहीं, इदू उपर परमात्मा साढ़ा अखा तो उपरले भाग में है, लेकिन इस दे अंदर असी जान वास्ते किसी पूरे महात्मा को ही जाके असी कामयाब हो सकते हैं। सो आप प्यार ना कहते हैं कि योगी लोगों ने भी बड़े युग के नाल अंदर जाने की कोशिश की, प्राणायाम किया, श्वासा ते काबू पाया। आप कहन लगे उमरा तो लंबिया कर लिया, लेकिन मसा कित्थे पहुँचे? पहली मंजिल ते पहुँचे जिथों के संतां दी अल्प वे शुरू हुंदी है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है, ज्ञानी ज्ञान कराई। असी आम तौर दे उत्ते इस मसले नूं पढ़न लिखण दे नाल ही हल करना चाहुंदे हैं। मैं बाबा बिशन दास दी तुहानूं दसदा हुंदा है कि उहदे उत्ते संसारी डिग्री उहनां पास PhD ਦੀ ਸੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਪ੍ਰਭ 20 ਕੋਸ ਔਰ ਤਪੱਸੀ ਸੇ 30। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 20 ਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 30 ਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਤਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਜੋਗੀ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸੀਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਤਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਧੂਣੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ 12 ਵਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਰਾਮ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿਸਮ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ ਉਹ ਰਾਵਣ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਲ ਖੂਬਦੇ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਖਮਣਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੀਚਾ ਭਾਉ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਚਲਾਵੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹਉ ਕੇਵਟ ਵਾਖਾ ਨਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤਪੱਛੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਤ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਯਤੀ ਸਦਾਏ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹੇ ਘਰ ਬਾਰ। ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈਮਨੀ ਰਿਖੀ ਜੋ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਇਸੇ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਜੈਮਨੀ ਰਿਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ
लिख लेना है। देखो ना, मैं कर्मा की फिलासफी नूं बड़ा खोल के रख देता है। वो कहन लगे, अच्छा देखांगे। वक्त आउण ते दिल दे विच ख्याल आया कि देखिए तां सही, जैमनी रिखी हमेशा बाहर कुटिया विच रहिंदा हुंदा सीगा। ब्यास देव जी खुद ही एक लड़की का रूप धार के शाम नूं उत्थे जा के चलाउण लग पे। जैमनी रिखी आवाज सुन के आया, कहन लग्या तू कौन है। पहला तो बेटी कहा, प्यार किया, तू कौन है। वह कह लगी, मैं किसे राजे की लड़की हाँ, वो शिकार खेडते सी, मैं भुल गई, मेरे ते तरस करो, मैं अकली हैं, मैनू जानवर खा जाएंगे। पहला तो ख्याल ठीक सी। वह कह लग्या, मैं किसी नू सहारा नहीं दिंदा गा, मैं किसी नू पास नहीं रखता गा। वह कह लगी, संत महात्मा तो बड़े परोपकारी हुंदे है, तुसी ऐसा करो कि मैनू जरूर जगह दिओ। आखिर जगह दे दिती। मन अंदरों वकील की तरह पढ़ाउंदा है, कहण लगे आप बाहर पै जावांगे, इहनू अंदरों कह दिंदे आ बूआ बंद कर ले, पै जावे। उहनू कहण लगे, देख तू अंदरों कुंडा बंद कर लै, अगर मैं भी कहां तो बूआ नहीं खोलना। वह कहण लगे, अच्छा। जब कुछ टाइम बाहर बैठा, दिल च ख्याल आया, क्योंकि जिहड़ा दुश्मन सब नू कराहे पाउंदा है वह मन अंदरे ही सीगा। उन्हें समझाया कि चलो रात बतीत हो जाएगी, गलबात कर लेने हैं, कोई बुरा ख्याल नहीं कर देंगे। आखर आके आवाज मारिया, कहन लगा बुआ खोल। वह कहन लगी कि आपका हुक्म सीगा कि किसी ने बुआ नहीं खोलना। आखर उन्हें काफ़ी किया कि मैं उपर दी कोठे ते चढ़ के छत पाल लूंगा। वह कहन लगी, जो मर्जी करो पर मैं बुआ नहीं खोलूंगी। आखिर छत पाड़ी, जब थले कुदया उत्थे ना कोई औरत सी ना कोई होर सी, जब देखा तो वेद व्यास जी बैठे सन। शर्मिंदे हो गए, कहन लगे हुण कर गल बई, तू तो बड़े कर्मा की फिलासफी लिख लवाला सीगा कि कमाई ठीक है, अगर तेरी कमाई कीती हुंदी तू क्यों धोखा खांदा। तो कहण दा भाव इतना ही है कि असी लोग बाहर तो लोगों नूं दिखाउने हैं कि जी असी जती हैं, असी सती हैं, साडे अंदर बड़े गुण है, लेकिन जब वरतों के विच आउने हैं फिर पता लगता है कि किन्ने कि असी वरतों के विच साबत निकलते हैं। जी तप सी तप करन थाक रही है, यदि रही जत लाई, ध्यानी ध्यान मन सी लावे, देती धोखा। प्यार दे नाल कहिंदे है कि बहुत सारे लोग इत्थों आ के भी धोखा खा जांदे है। जो महात्मा नूं बड़ा वक्त हो गया इस संसार छड्डे नूं, कमाइयां कीतियां, वह मालक दे नाल जा मिले है, अगर भूतां दी तरह उन्होंने इत्थे चक्कर लाउणे सन तां उन्हां नूं जप तप अभ्यास करन दी की जरूरत सी। लेकिन असीं की करदे हैं कि उन्हां महात्मा दीआं मूर्तियां रख के उन्हां दा ध्यान करदे हैं, लेकिन महात्मा दसते हैं थोड़े अंदरों मूर्ति का अख छा जाएगा, वह खुद महात्मा नहीं आएगा। फिर सानू ये भी नहीं पता कि वह महात्मा दी जिहड़ियां पिक्चरां हन वह सही हैं। तुसी देख लो शिवा की मूर्ति बॉम्बे के अंदर किसी होर स्टाइल की बनाते हैं, पंजाब के अंदर किसी होर की बनाते हैं, एक मूर्ति ना दूसरी नहीं रलती गी। गुरदासपुर के अंदर पुराने वक्त दियाँ दसा गुरुआ दियाँ मैं पिक्चरां देखियां सन, जिहड़ियां अज पिक्चरां बनदियां हन उन्हां दे नाल मेल नहीं खांदियां गईयां। किसी ने महाराज सावण सिंह नूं पुछिया सीगा कि तुहाडी मूर्ति रखनी या उहनूं धूप दिखाउणी किन्नी क जायज़ है। महाराज कहण लगे, इह अच्छा निगाह कुफर है, तुसीं अगर अपने गुरु देव की मूर्ति रखनी है बजुर्ग समझ के रखो, अच्छा समझ के रखो, भरा समझ के रखो, लेकिन जे तुसीं इह कहो कि मूर्ति नूं पूजण नाल या धूप दिखाउण नाल साडा मसला हल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुंदा गा। क्योंकि आप सूरज कनी दो मिनट तुसीं झाक के देखो, अखां बंद करो, सूरज नहीं तुहाडे अंदर उहदा अक्ष अंदर होएगा। देवे दी तरफ झाको तुसीं और अखां बंद करो, थोड़े अंदर वह लो आ जाएगी, लेकिन दीवा नहीं आएगा। अगर थोड़े अंदर वह मूर्ति आउंदी है तुसीं उसनूं पुछो तां सही प्यार दे नाल कि सानू कदों लै जाएगा, किवें लै जाएगा, लेकिन वह बोलेगी नहीं क्योंकि बेजान है। अगर कोई सेशन जज है वह बाहर छुट्टी चलिया गया
वो अपनी पिक्चर अपनी कुर्सी दे उते रख जावे कि वो किसी का न्याय करेगी कि वो बोलेगी। इसी तरह ही है इतने आके असं सारे धोखा खा जाने हैं, नहीं जी साडा पे दादा मंदा आया है, असं भी मनते हैं। महात्मा किसी की निंदा नहीं करते गे, उन्होंने दिलों के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज कहते सब गुर पीर हमारे, सब संतां दी महात्मा इज्जत करते हैं प्यार करते हैं, लेकिन ये जरूर दसते हैं कि सज्जनों थोड़ा जो कम है वो इस तरीके नाल नहीं पूरा होएगा। तुसी की करो, नाम लो जो सिमरन संत तुहानू दसदे है। मैं दसदा हुंदा कि मैनू बड़ी खुशी है तुसी सिमरन करदे हो, किन्ना सिमरन करो, क्योंकि मुक्ति दे तीन साधन हन साडे शरीर दे अंदर, सिमरन भजन ध्यान। सिमरन दे जरिए असी अपने ख्याल नू इकट्ठा करना है तीसरे तिल दे उत्ते, फिर ध्यान दी जरूरत पैंदी है। अगर ध्यान ना होएगा तो साडी आत्मा उपर जाएगी फिर गिर जाएगी, उपर जाएगी फिर गिर जाएगी, जिसनू गुरु नानक देव जी महाराज ने बाणी दे विच इशारा कीता है, अकाल मूर्त है साध संतन की ठहरनी की ध्यान को। उन्हां महात्मा का असी ध्यान धरना है, उस रूप का ध्यान धरना है जिन्होंने सानू नाम दिता है। बेशक गुरु नाम दे के अगले दिन चोला छड जावे उहदे वास्ते उह सदा जिउंदा है। महात्मा नाम दे के कदे बेखबर नहीं हुंदे गे, वो सचखंड दे अंदर बैठे भी साडी रहनुमाई करदे है। अगर कोई रुकावट है जो उन्हां दे थां कम करदा है तुसी उसनू पुछो। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे किन्ना ध्यान होवे कि अपने आप नू भुल जाओ, जिसनू गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे आप छोड़ गुरमाहे समावै। तो सिमरन दे जरिए असी सूरज चंद्रमा सितारियां तो उपर चले जाने हैं, गुरु स्वरूप अपने आप ही प्रगट हो जाता है। उत्थे जाके सच्चा शिष्य सच्चा चेला गुरु का बनता है। उस वेले तुसी उस रूप दे अगे कोई भी गल करो वो साफ होएगा, उहदा जवाब सही होएगा ते गल्लां दा मजबून नहीं गा, उस सेवक दे साथ हमेशा रहिंदा है। इत्थों तक सानू साडा सिमरन ले जांदा है, अगे गुरु दी ड्यूटी है। लेकिन असी आपदे दिलां च कंघियां मारनियां है कि किन्ने क आदमी है जिहड़े असी इस तरह का सिमरन करते हैं या संतां तों नाम की दात मंगते हैं। मैं दसदा हुंदा मेरे पास पत्र भी ऐसे ही आउंदे है और मिलदे भी प्रेमी इस तरह है। कदे कोई ये नहीं कहिंदा मैं भजन इतना करदा हैं या करूँगा, सब आपो अपनियां समस्या लैके खड़े हुंदे है। तुसी देख लो, महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सी कि ये लोग जिहड़े ये ख्याल नूं लैके संत मत विच आउंदे है कि साडा मुकदमा फतेह हो जावे, साडी बीमारी दूर हो जावे, बेरोजगारी दूर हो जावे, वो लोग संत मत चो की खटणगे। कबीर साहब ने कहा गुरु सब को चाहे, गुरु को चाहे ना कोए, ऐसी दुनिया दीवानी भाई भगती भावना बूझे जी, कोई आए तो दुख का मारिया हम पर कृपा कीजे जी, कोई आए तो दौलत मंगे भेट रुपया लीजे जी, कोई आए व्याह सगाई कराने वास्ते कहते संत गुसाई रीजे जी, सच्चे का कोई गाहक ना ही झूठे जगत पतीजे जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो अंधे को का कीजे जी। संत सानू इस दुनिया चो कढ़न वास्ते आउंदे है कि परेशानी दी दुनिया चो निकलो चलो उपर, लेकिन असी वार वार उत्थे फसना जानते हैं, फसण वास्ते असी दवाई मंगते हैं। तुसी देख लो कि इस वास्ते स्वामी जी महाराज सानू प्यार नाल समझाउंदे है कि तपी तप करके थक गए, ध्यानी ध्यान कर करके थक गए, जिस चीज़ का ध्यान करना सीगा गुरु स्वरूप का जिन्होंने सानू नाम दिता है असी उत्थे पहुँचते ही नहीं जी। ध्यानी ध्यान Yes।
संतां दी बाणी हमेशा ही इस किस्म दी हुंदी है, आपा उसका पहला अर्थ ठीक ना करिए अगला हो ही नहीं सकता गा। संत किसी वेद शास्त्र की निंदा नहीं करते गे, हाँ ये जरूर कहते हैं जो वेद का कहा नहीं मनता वह वेद का चोर हुंदा है। वेदा के अंदर दूसरी मंजिल का बयान है, ये दूसरी मंजिल तो ही पैदा हुए है, उत्थों तक इन्हों का रस्ता सही है, लेकिन असी उत्थों तक भी तुरन वास्ते तैयार नहीं। सिर्फ जवानी कलामी असी सारा दिन पढ़ते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे आ वेद वपारी नानका लद ना चलिया कोई। देखांगे जितने लोग ये आपदे आप नू ये कहिंदे असी इतनियां किताबां पढ़ लिया, इतने ग्रंथ पढ़ ले आ, गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे उदों देखांगे जदों ये साथ लै गए। साडे बजुर्ग इत्थे पढ़ के छड गए, असी छड जाणा है, लेकिन जो इन्हां धर्म ग्रंथां दे विच लिखिया है असी उन्हां ते चल नहीं रहे, उन्हां ते तुर नहीं रहे, और एक दूसरे ना बहस वासा करन दे उत्ते तुले हुंदे हैं। मैं बाबा बिशन दास की मिसाल दसदा हुंदा है कि दो पंडित कांसी पास करके आए, अच्छे पढ़े लिखे सन, एक जिमीदार नूं मिले, उन्हें पूछया पंडित जी कित्थों आए हो, कहन लगे कांसी पास करके आए हैं, असी बहुत भारे विद्वान हैं। वो कहन लगे मैनू अज मौका दिओ मैं तुहाडी सेवा करा। वो कहिंदे अच्छा भाई, घरे चले गए। जिमीदार खाना तैयार करन लग पे, वो बैठे सन, एक आदमी कहन लग्या मैं थोड़ा जा बाहर जाया वा। वो दूसरे नूं पुछण लग्या जिहड़ा जट सीगा, कहन लग्या जी ये कितना क पढ़िया है और तुसी कितने क हो। वो कहन लग्या मैं तो सब कुछ पढ़ के आया होया है, ये तो बिल्कुल बढ़ती है, इसनू कुछ ही नहीं आता गा। फिर थोड़े चिर बाद वो चलिया गया, वो उसनू पुछण लग्या पंडित जी तुसी कितना क पढ़े हुए हो, ये कितना क पढ़िया है। वो कहन लग्या बिल्कुल गधा है, इन्हू कुछ नहीं आता गा, मैं ही पढ़िया लिखिया है। और जट ने बड़ा समझदारी तो कम लिया, दोनों के हाथ धोए, बिठा दिता, बिठा के कुछ जैसी गधे की खुराक सी भो वगैरह लिया, बल्द की खुराक तूड़ी सी वह लिया के थाली दे विच रख दिते। हुण दोने पंडित जी बड़े परेशान हैरान हो गए कि ये की। वो कहन लग्या कि देखो जी तुसी इसनू गधा कहा से गधे की खुराक है, तुसी इसनू बुल्द कहा से बुल्द की खुराक है। दोने शर्मिंदे हो गए क्योंकि सानू विद्वाना नू एक दूजे की सिफत करनी आउंदी नहीं गी। असी कहने मैथों कितें ज्यादा ना पढ़िया लिखिया होवे, ये आदत ज्यादा पढ़े लिखिया च हुंदी है। साढ़े सतगुरु महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी कि संत हजारों एक मकान च इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन संडे दो एक मकान च नहीं रह सकते गे। यही हालत साड़ी है, असी कहने ये ज्यादा जानता है, मैं तो वध पढ़िया है, मैं ज्यादा लेक्चर कर सकता है। ये तो संत मत जो है ये तो कमाई की चीज़ है। मैं दसदा हूं कि एक आदमी ने भूगोलिक विद्या पढ़ी है, वो हर शहर बंदरगाह का नाम दसेगा, नक्शा बड़ा याद है। एक आदमी ने खुद जाके वो जगह देखी अखी, केड़ा शहर कित्थे है खुद सोच के देख लो ना, जो कौन सच्चा है जिन्हें भी अखी देखा होया है। तो गुरु नानक साहब कहिंदे है संतन की सुन साची साखी, जो बोलन सो पेखण आखी। वो कहिंदे है कि सजनो जो बोलना है वो पहला खुद तुहाडा प्रैक्टिकल होवे, अगर तुसी खुद प्रैक्टिकल नहीं कीता गा अपने आप ना तो धोखा होया ही होया, दुनिया नूं भी असीं धोखा दे रहे हुंदे हैं। इस वास्ते आप कहिंदे आ विद्या दे बल ना। कबीर साहब कहिंदे आ कि कागज़ दी बेड़ी ते चढ़ के कोई तरिया नहीं गा, बिरथा कथत हम तरते। लोगों नूं विश्वास दवाउंदे है कि असीं तरे हैं तुहानूं तार देंगे, लेकिन कागज़ दी बेड़ी ते चढ़ के कोई पार नहीं हुंदा देखिया गा। इस वास्ते आप प्यार नाल दसदे आ कि आखिर विद्या बल सब जाई जी। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने विद्या बल सब जाए, बुद्धि चतुरता कान
बुद्धि का विषय नहीं गा आलमा फाजलान इस रस्ते दे विच बड़ी रुकावट हुंदी उन्हां दी खुद ही विद्या दी। स्वामी जी महाराज कहिंदे हे विद्या तू बड़ी ए विद्या संतन की तैं कदर न जानी। इस दा मतलब ये नहीं कि संत कहिंदे तुसीं पढ़ो ना, कहिंदे नहीं पढ़ो सोच के पढ़ो वी असीं की पढ़ते हैं जी। कहिंदे आ कि असी परमात्मा नूं ना चितराई ना धोखा दे सकदे आ ना किसे होर साधन नाल। उत्थे शब्द नाम दी कमाई करनी पैंदी है, अपने आप नूं वारना पैंदा है, जो गुरु कहिंदा है सब तो पहला ओह करना पैंदा है। आप कहिंदे कि इस वास्ते आप कहिंदे आ कि तुसी शब्द नाम दी कमाई सच्चे दिलो मेहनत नाल प्यार नाल करो, होर किसे तरीके नाल तुसी कारगर नहीं हो सकदे जी। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई, गुरु मेरे जब तुन का पेदी सिख बिरह तर प्यारे। आज पांत पांत दे गुरुआं नाल दुनिया भरी पई है। कबीर साहब कहिंदे है कि गुरु जिन्ना का अंदला चेले कहां कराई। चेले किथे जाणगे, जायदाद जद भी मिलदी है पिता दी मिलदी है, अगर पिता दे पास कोई जायदाद नहीं बच्चे कित्थों खाणगे, मजदूरी करनगे दुखी होणगे। इसे तरह साहब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों दिखाए, साहब घर वत होए नफर हाथ आए, अणहुंदी कित्थों पाए, गुरु सदाए अग्ञानी अंदा किसो मार्ग पाए। गुरु नानक देव जी महाराज सानू प्यार ना कहिंदे है देखो भी प्यारे हो कि अगर थोड़ा गुरु सचखंड का वासी है, सचखंड वह पहुंचया है, थानू भी लिजा सकता है, दो अर्फी गल है पढ़िया पढ़ा सकता है। मैं दसदा हुंदा कि यह कोई लिहाज की गल नहीं, रैत की गल नहीं, किसी महात्मा की शरण में जाने तो पहला तुसी उहदी हिस्टरी पढ़ो कि उसने 10-20 साल कोई कुरबानी की है, कोई अभ्यास किया है। सुते पे नूं किसी नूं परमात्मा नहीं मिलता गा। अगर जे कोई ये कहिंदे है कि जी सानू सुते पिया नूं परमात्मा मिल गया, ये गलत है, इस तरह नहीं मिलता गा। अज तक सब महात्मा ने कमाइया कीतियां मेहनत कीतियां, गुरु नानक का हिस्टरी पढ़ के देखो 11 साल ठिकरियां रोड़ां का विछाउणा कीता कि उन्होंने मंजा नहीं थिंदा सी, अक आहार उन्होंने आहार बनाया। इस तरह किसी महात्मा की तुम हिस्टरी पढ़ के देख लो, कहन लगे भी जब गुरु तुनदा भेदी वो गुरु मिले जो शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी है, और सिख दे दिल विच बिरे होवे तड़प होवे जिवें प्यासे नूं पानी मिलता है। कबीर साहब ने कहा सी कि प्यासा पानी बड़ा इज्जत नाल पींदा है, जिन्हों प्यास नहीं वो गल्लां मारेगा कि पानी हिंदुआं दा है या मुसलमाना दा है, प्यास हो तो बिल्कुल नहीं पुछदा गा। अगर सिख दे दिल विच बिरे है तड़प है, मैं सुबह दस्या सी कि मेरा गुरुदेव जद मेरे पास गया, क्योंकि उसे दी दया सी, मैं ते कंधा जा जीव सीगा, उसने खुद ही हिम्मत कीती और इस आत्मा दी प्यास बुझाई। मैं उससे कोई सवाल नहीं कीता कि तू किस जाति दा है, कि तू गृहस्थी है या त्यागी है, मैनू प्यास सी जो क्या वो कर लिया। इस वास्ते आप कहिंदे आ कि गुरु शब्द स्वरूपी शब्द व्यासी होवे और सिख दे दिल विच बिरों होवे तड़प होवे, फिर वेखो की कम बनता है। गुरु पूरा होवे सिख अधूरा होवे। मैं कहना हुंना जब तक पूरा सिख ना मिले गुरु दी भी परख नहीं हुंदी गी, पखंडी गुरु उदों चलेगा
अगर पूरा सिख होवे तां उहनूं पता है हुण कुछ मंगेगा, हे देना पएगा, कित्थों देवेगा, सारी जिंदगी कमाई नहीं कीती। हां जी गुरु मेरे जब तुन का के नाम लै लेना, रस्ता लै लेना ही काफी नहीं गा। कबीर सतगुरु क्या करे जे सिखन में चूक, अंधे एक न लगी जो आवास मजाई फूक। फिर वो रोज जो अभ्यास का तरीका दसिया है वो रोज करे, फिर देखो मार्ग खुलता है, रस्ता खुलता है। जी सुरत शब्द की होई कमाई, स्वामी जी महाराज कहते हैं दुनिया के लालचियां परमात्मा नहीं मिलता गा। अगर थोड़े दिल अंदर सच्ची तड़प है, बिरे है, तो तुसी अपना तन मन भी गुरु ते वार दियो। जी लालची नूं कदे भी धुन नहीं सुनदी गी, कन्नां दी टी टी नूं शब्द नहीं किया, शब्द सचखंड तों उठदा है, साडे अखां दे दरम्यान आउंदा है। और जिस तरह अजगर सप हुंदा है वह शिकार दे मगर नहीं दौड़दा गा, वह आराम नाल बैठा रहिंदा है, जद उसदे दायरे विच आउंदा है अपनी तरफ शिकार नूं खिंच लैंदा है। इस तरह जद असीं सिमरन दे जरिए नौ द्वारे खाली करदे हैं और साड़ी आत्मा शब्द के दायरे में आ जाती है, शब्द फौरन ही इस चुंबक की तरह उपर खिंच लेता है। जी मूल हवसी और कपटी जन को नेक न तुने पतियाई, यह तुन है मालक दे दरबार चों तुहानू उठ रही है। गुरु नानक ने गुरबाणी कहा है, मुसलमाना फकीरां ने इसनू कलमा बांगे असमानी कहा है कि असमान चों आवाज आ रही है। कोई सूरमा बहादुर ही मन इंद्रियां तो छुटकारा पा के इस धुन नू पकड़दा है। जी यह धुन है आत्मा ते तिन पड़दे है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। जब असीं सिमरन दे जरिए नौ द्वारे खाली करके अखां दे पिछे आ जाने हैं और असीं संसदल कंवल गगन त्रिकुटी दे विच चले जाने हैं, साडा मन जिहड़ा है वह उत्थे खुश हो जाता है, वस विच आ जाता है। असीं इह वी कह सकते हैं साडी आत्मा इस दे पंजे तों आजाद हो गई है और आप प्यार नाल कहिंदे है असीं पारब्रह्म दे विच पहुँच जाने हैं, जिथे कि
ना औरत का सवाल है ना मर्द का सवाल है, उत्थे आत्मा है, उत्थे पहुंची हुई आत्मा की 12 सूरज की रोशनी हुंदी है और सचखंड का यह नाका है। उत्थे जाके आत्मा नूं पता लगता है कि मैं आत्मा हाँ, मैं तो एवें बाहर पिंजरियां दे विच फसी रही, पिंजरे नाल तन दे नाल प्यार पा के कदे हिंदू की बोली बोली कदे मुसलमान की बोली बोली, लेकिन मेरा तो इन्हां तन दे नाल कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा सीगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है, सूहट पिंजर प्रेम का बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उड़ा तो एक बार। अगर ये तोता ये आत्मा इस पिंजरे का ख्याल छड के साथ छड के उस अनहद शब्द नाम का चोगा चुगे उड़ा तो एक बार, एक बारी संसार में आवे बाद में अपने घरे पहुंच जाए। जी आई सुने पार संत सतगुरु जब साढ़े अंदर प्रगट हो जाते हैं, असी सिमरन के जरिए उन्होंने सरूप तक पहुँच जाते हैं, वह खुद ही साड़ी अगवाई करते हैं। कितने लै जाते हैं? पवर गुफा। पवर गुफा गुफा वह जगह है, सचखंड का बूहा है, उत्थे आत्मा पौड़ पहुँच के मस्ती आती है, मस्त हो जाती है। इत्थे मनसूर ने ऐनल हक दा कि जो खुदा है परमात्मा है उही मैं है नारा लाया सीगा, और मुल्ला पता नहीं सीगा कि मनसूर की कितनी रसाई है, यदि कितनी महानता है, उन्होंने चुक के उसनू सूली ते चाड़ दिता। सो इस वास्ते उत्थे पहुँच के आत्मा नू होश आउंदी है और फिर अगे जाण दी अपने घर विच तैयारी करती है, और सतगुरु बड़ी दया करता है, हर मंजिल ते नाल है। जी एक सूरज है, कितनी रोशनी है, कितना चानण है। आप कहन लगे वो बड़ी अजीब लीला है, उत्थे सूरजा दियां लाइना है, चंद्रमा दियां हन, कहन लगे बयान तो बाहर है कि उस देश की महिमा बयान करिए जिथे के संत सतगुरु सानू ले जाना चाहते हैं, जिथों के महान आत्मा इस संसार विच आईयां हन। जानते हैं जब वो बयान करते हैं, दुनिया अतबार नहीं करती। जब गुरु नानक ने कहा लखां आकाश है पताल है, लोगों ने इतराज किया, लेकिन जब उन्होंने ये कहा आओ बई असी थानू दिखा सकते हैं ये थोड़े अंदर है बाहर नहीं, उही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अनेक आकाश साड़ी आत्मा देखती गुरु की दया नाल अगे नू जा रही है। जी काटे आकाश काटे पर आकाश कोटन पर साई, यह लीला कुछ अजब बीज की उलट पलट को
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਭੀਖਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਅਗੰਮ ਕੀ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਮੇ ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੁਛ ਅਜਬ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਅਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਸਾਈ